Students, welcome to our YouTube channel. Today I am going to discuss with you class 3 chapter 1 a lesson in kindness question answer section. A lesson in kindness question answer section. First one is read and find. Answer each question briefly. Answer each question briefly. Number one is, what was Mr. Roy doing in his room? What was Mr. Roy doing in his room? Mr. Roy अपने कमरे में क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? Newspaper पढ़ रहे थे. So we can write, Mr. Roy was reading a newspaper in his room. Mr. Roy was reading a newspaper in his room. Number two, how was the boy holding his bag? How was the boy holding his bag? लड़का ने, उस बच्चे ने अपनी बैग कैसे पकड़ा हुआ था और कैसे रखा था? The boy was holding his bag over his shoulder. The boy was holding his bag over his shoulder. उस लड़के ने अपनी बैग शोल्डर में झुलाए रखा था. The boy was holding his bag over his shoulder. Number three, what did the boy take out of his bag? What did the boy take out of his bag? What did the boy take out of his bag? लड़के ने अपनी बैग से क्या निकाला? सैंडविच निकाला उसने. The boy took out a sandwich of his bag. The boy took out a sandwich of his bag. लड़के ने बैग से सैंडविच निकाली. Number four, what did the dog do when the boy showed it his sandwich? जब लड़के ने सैंडविच दिखाई तो डॉग क्या कर रहा था? What did the dog do when the boy showed it his sandwich? When the boy showed it his sandwich, the dog started wagging its tail. When the boy showed it his sandwich, जब लड़के ने अपनी सैंडविच दिखाई, when the boy showed it his sandwich, the dog started wagging its tail. कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई, पैर से अपनी पूंछ हिलाई. The dog started wagging its tail. Number five, what did the boy do to the little dog? What did the boy do to the little dog? उस लड़के ने कुत्ते के साथ क्या किया? What did the boy do to the little dog? क्या किया था उस लड़के ने? कुत्ते के पेट में लात मारा था. Then we can write, the boy gave a hard kick in the belly of the little dog. The boy gave a hard kick. जोर से किक मारा था. The boy gave a hard kick in the belly of a little dog. Number six, why did Mr. Roy come out into the street? Why did Mr. Roy come out into the street? Mr. Roy अपनी गली में क्यों आए थे? Why did Mr. Roy come out into the street? Mr. Roy गली में क्यों आए थे? तो आंसर होगा, Mr. Roy came out into the street
to teach the boy a lesson. Mr. Roy came out into the street to teach the boy a lesson. उस लड़के को कुछ सिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए वो गली में आए थे. स्ट्रीट मीन्स गली और लेन. नंबर 7. व्हाट डिड मिस्टर रॉय गिव टू द बॉय. व्हाट डिड मिस्टर रॉय गिव टू द बॉय. मिस्टर रॉय लड़के को क्या देते हैं? चॉकलेट देते हैं या फिर कुछ खाने को देते हैं? क्या देते हैं? व्हाट डिड मिस्टर रॉय गिव टू द बॉय. मिस्टर रॉय गेव द बॉय ए हार्ड ब्लो विथ हिज स्टिक. अपनी छड़ी से क्या करते हैं? उसके हाथों पे जोर से मारते हैं. मिस्टर रॉय गेव द बॉय ए हार्ड ब्लो विथ हिज स्टिक. नंबर 8. व्हाट प्रॉमिस डिड द बॉय मेक टू मिस्टर रॉय. व्हाट प्रॉमिस डिड द बॉय मेक टू मिस्टर रॉय. लड़का मिस्टर रॉय से क्या प्रॉमिस करता है? व्हाट प्रॉमिस डिड द बॉय मेक टू मिस्टर रॉय. द बॉय प्रॉमिस टू बी काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स. द बॉय प्रॉमिस टू बी काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स. लड़का क्या प्रॉमिस करता है बर्ड्स एंड एनिमल के पास? कभी भी शैतानियां नहीं करेगा, उनके साथ प्यार से बर्ताव करेगा. देन सेकंड इज वर्ड पावर. Act out dialogue between the boy and Mr. Roy.
ये आपको आपके पार्टनर के साथ, फ्रेंड के साथ मिस्टर रॉय और बॉय बनकर एक्टिंग करना होगा। देन ग्रामर सेक्शन, ग्रामर इन यूज, राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज क्वेश्चंस, राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज क्वेश्चंस। यहाँ बहुत सारे सेंटेंस दिए गए हैं, इन्हें हमें क्वेश्चंस करना है। फर्स्ट वन, द लिटिल डॉग येप्ड इन पेन, द लिटिल डॉग येप्ड इन पेन। छोटा सा डॉगी कष्ट में या फिर दर्द में रो रहा है या फिर आवाज कर रहा है, येप्ड इन पेन। इसे कैसे क्वेश्चन करेंगे, देखिए येप्ड के नीचे अंडरलाइन किया गया है, इसे हम डीड लगाकर क्वेश्चन करेंगे। ये पास्ट टेंस में है तो पहले आएगा डीड, डीड द लिटिल डॉग, ये के बदले डीड लगाया गया है इसलिए इसका प्रेजेंट फॉर्म में हम क्वेश्चन बनाएंगे। डीड द लिटिल डॉग ये इन पेन, डीड द लिटिल डॉग ये इन पेन। नंबर टू, मिस्टर रॉय वॉक बैक into his house, Mr. Roy walked back into his house। यहाँ भी walked दिया गया है, verb past tense हुआ है walked, तो did लगाएंगे। Did Mr. Roy walk back into his house? Did Mr. Roy walk back into his house? Did लगाने से verb का जो past form होता है उसे हम present में use करेंगे। Did Mr. Roy walk back into his house? Number three, the boy sold his sandwich to the dog. The boy sold his sandwich to the dog. लड़का अपनी सैंडविच कुत्ते को दिखा रहा है, दिखाता है। Then it is also used did. Did the boy sow his sandwich to the dog? Did the boy sow his sandwich to the dog? ये क्वेश्चन हो गया। नंबर फोर गेव हुआ है, नंबर फोर सेंटेंस में गिव गेव हुआ है इसलिए डिड ही गिव, डिड ही गिव, डिड ही गिव द बॉय ए हार्ड ब्लो विथ हिज स्टिक, डिड ही गिव द बॉय ए हार्ड ब्लो विथ हिज स्टिक। क्वेश्चन मार्क देना चाहिए वरना सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। नंबर फाइव, द बॉय हैड ए बैग हैंगिंग फ्रॉम हिज शोल्डर, द बॉय हैड ए बैग हैंगिंग फ्रॉम हिज शोल्डर। डिड द बॉय हैज ए बैग, डिड द बॉय हैज ए बैग hanging from his shoulder, did the boy has a bag hanging from his shoulder? Number 6, the boy stretched out his hand for the money, ladka paise ke liye apne haath aage kar deta hai, the boy stretched, yahan bhi verb past tense kiya gaya hai, so did the boy stretch out his hand for the money, did the boy stretch out his hand for the money? Then number 2, write the following as simple sentences, write the following as simple sentences. Number 1, how cruel the boy was, इस सेंटेंस को हमें सिंपल करके लिखना है।
सिंपल सेंटेंस लिखना है फुल स्टॉप लगा के. द बॉय वॉज वेरी क्रूएल. हाउ क्रूएल द बॉय वॉज. द बॉय वॉज वेरी क्रूएल. दिस इज द सिंपल सेंटेंस. नंबर टू. हाउ टॉल दैट गर्ल वॉज. हाउ टॉल दैट गर्ल वॉज. वो लड़की कितनी लंबी है. वो लड़की कितनी लंबी है. द सिंपल सेंटेंस होगा द गर्ल वॉज वेरी टॉल. द गर्ल वॉज वेरी टॉल. नंबर थ्री. हाउ लवली द चाइल्ड इज. कितनी प्यारी है वो बच्ची. कितनी प्यारी है. हाउ लवली द चाइल्ड इज. द चाइल्ड इज वेरी लवली. हाउ के बदले यहाँ हम वेरी यूज कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस में. द चाइल्ड इज वेरी लवली. नंबर फोर. हाउ स्वीट दिस मैंगोज आर. हाउ स्वीट दिस मैंगोज आर. ये आम कितने मीठे हैं. ये आम कितने मीठे. दिस मैंगोज आर वेरी स्वीट. दिस मैंगोज आर वेरी स्वीट. देन लेट्स राइट राइट अबाउट फाइव सेंटेंस व्हाट द बॉय डज इन दिस स्टोरी. लड़के के बारे में फाइव सेंटेंस लिखना है जो सब उसने स्टोरी में किया है. क्या किया है लड़के ने. द बॉय टेक्स ए सैंडविच आउट ऑफ हिज बैग एंड ही शोज टू द लिटिल डॉग. ही गिव्स द डॉग नथिंग. द बॉय टेक्स ए सैंडविच आउट ऑफ हिज बैग. बैग से सैंडविच निकालता है. ही शोज टू द लिटिल डॉग. डॉगी को सैंडविच दिखा रहा होता है. एंड ही गिव्स द डॉग नथिंग. कुछ भी नहीं देता है. ही गिव्स इट ए हार्ड किक. ही गिव्स इट ए हार्ड किक इन द बेली. क्या करता है. कुछ भी नहीं देकर क्या देता है. किक मारता है. इन द एंड ही रिप्रेंट हिज क्रूएल एक्शन. अपनी क्रूरता दिखा रहा होता है. लास्ट वन इज राइट फाइव सेंटेंस ऑन व्हाट मिस्टर रॉय डज इन दिस स्टोरी. इस स्टोरी में इस प्रोज में मिस्टर रॉय क्या करते हैं इसके बारे में फाइव सेंटेंस लिखना है. मिस्टर रॉय वॉक्स आउट ऑफ हिज हाउस. घर से निकलते हैं. ही कॉल्स द बॉय. लड़के को बुलाते हैं. He shows the boy a 10 rupees note. लड़के को 10 rupees का नोट दिखाते हैं. Then he gives the boy a hard blow with his stick. छड़ी से उसे मारते हैं. Then he teaches a lesson.